हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल्स रेसिपी। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो आप 10-15 दिन के लिए एयरटाइट डब्बे में भरकर भी रख सकते हो। इसके लिए हमें 3 इक्वल बाउल में मैदा लेना है और इक्वल बाउल में ही तेल लेना है। हम तीनों बाउलों का मैदा बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये मैंने तेल 4 टेबल स्पून तेल लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने रख लिया है। यकीन मानिए, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। बाद में हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, इक्वली डालेंगे तीनों में। और 2 बाउलों को हम अभी साइड में रखेंगे और 1 बाउल का आटा हम गूंदेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ले कर आटे को गूंदना है। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा लेकर आटे को गूंदना है। हमारा आटा भून चुका है, इसको हमें साइड में रखना है। 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब हम दूसरा बाउल लेंगे और उसमें 1/2 चम्मच हरा कलर फूड कलर डालेंगे और पानी लेकर इसे भी हम उसी तरह से बूंदेंगे। पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से ही लेना है। हमारा आटा अच्छे से भून चुका है, इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब हम तीसरा बाउल लेंगे और उसमें हम 1/2 चम्मच फूड कलर डालेंगे, लाल कलर। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बूंदेंगे।
ये आटा भी हमारा भून चुका है, इसे भी हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम हाथों में तेल लगाकर सबसे पहले आटा गूंदा था उसका आधा पार्ट लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से सेट करेंगे और एक लंबी सी लड़ी बनाएंगे। और उसे साइड में रखेंगे। इसी तरह से हम हरा कलर लेंगे और हाथों की मदद से मसल कर दो पार्ट में डिवाइड कर इसकी भी हम एक लड़ी बनाएंगे। इसी तरह से हम तीसरा आटा लेंगे और इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर इसकी भी हम लड़ी बनाएंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर हमें इस तरह से लड़ी को सेट कर बनाना है। हमारी तीनों लड़ी बन चुकी है। अब हम इसे स्टैंडिंग में इस तरह से बीच में वाइट और अगल और बगल में ग्रीन कलर और रेड कलर की लड़ी को सेट करेंगे और उसके ऊपर की टोच पे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। और बाद में एक कलर को ऊपर से करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कलर वाली लड़ी को भी इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। ऊपर नीचे कर हमें सेट करना है इस तरह से। अब हमें हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर इस तरह से हमें लड़ी को थोड़ा लंबा बनाना है। हमारी लड़ी बन चुकी है। फिर हम चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। और फिर हाथ दोनों हाथों से सेट कर इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से। सभी लोई को हमें इसी तरह से प्रेस कर सेट कर रखना है।
हमारी सभी लोइयां बन चुकी है, अब हम इसे बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें छोटी छोटी पापड़ी बनानी है। इस तरह से पापड़ी बनाने के बाद हमें फोर्क स्पून या टूथपिक से इसमें होल पाड़ने हैं। हमारी सभी पापड़ी बन चुकी है, अब हम इसे फ्राई करने के लिए गैस को ऑन करेंगे और तेल को प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक कर तेल में डीप करेंगे और सभी पापड़ियों को फ्राई करेंगे। हमें एक बार पलट कर इस तरह से फ्राई करना है। हमारी पापड़ी फ्राई हो चुकी है, हम टिश्यू पेपर पर इसे निकालेंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।